सो आई एम सॉरी, बैक टू द स्कॉर्पियंस रीडिंग. या यस 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 सो यस बैक टू द स्कॉर्पियन रीडिंग्स गाइज. आई वॉज वेरी वेरी मच इन टू रिलैक्सिंग एनर्जीज टूडे. एज टूडे ऑल्सो यू नो न्यू मून इज देयर फर्स्ट जून फर्स्ट मंथ एंड आई हैव डन माई न्यू मून रिचुअल्स. यस सो ये स्कॉर्पियन ऑलरेडी मैंने आपका नया यू नो स्प्रेड यहाँ पर डाला हुआ है, तो पहले की रीडिंग से कंटिन्यू करते हैं आगे. मैंने जैसे बोला फैमिली में कुछ डिस्प्यूट था, बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ डिस्प्यूट था, ये बंदा वापस आ रहा है आपसे कुछ वापस, मतलब ये फेक अपोलॉजी है, ये स्ट्रांगली फेक अपोलॉजी है. ओके एंड लव में आपको मैंने सेवन ऑफ कप्स का कार्ड दिखाया था. ओके तो ये यहाँ पर है. उसके बाद मैंने और शफलिंग किया, स्टे ट्यून्ड, मैंने ऑल शफलिंग किया तो ये नाइट ऑफ वॉन्स एंड इसका एनर्जी निकला किंग ऑफ वॉन्स. तो आपको लव में स्ट्रांगली दो ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें से एक बंदा है वो काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहेगा, इसको सिर्फ सेक्स रिलेटेड मामले में ही इंटरेस्ट है आपसे, फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स बोल सकते हैं. या फिर आई हेट टू यू नो स्पीक दिस वर्ड इवन बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट, यू नो आई लिटरली हेट सच एनर्जी. सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज नॉट, ये बहुत ही पैशनेट बंदा है, लेकिन आई एम सेंसिंग सेवन ऑफ सोर्स यू नो इन बिटवीन दैट. तो प्लीज़ 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 ये एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, डजेंट मैटर. मुझे ये पाइसी स्ट्रांगली दिख रहा है, ये मुझे कैंसर भी दिख रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स आया है. दिस पर्सन इज वेरी वेरी एनर्जी मैटर्स. दिस इज नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, मेल फीमेल एनी थिंग कुड बी देयर, एनी थिंग. ओके तो ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स है, ये बताता है कि कोई सीनियर सिटीजन जो कि स्पेशली औरत है जो कि आपके कनेक्शन के बीच में आ रही है. ओके दिस पर्सन इज नॉट गुड, दिस इज अ नार्सिसिस्टिक कार्ड. वेन क्वीन ऑफ कप्स कम्स दिस लाइक दिस इज मदरली एनर्जी. ओके जो हाईली इंट्यूटिव है, अपने ही काम से काम रखती है, मदर टेरेसा काइंड ऑफ एनर्जी यू नो कैरी ऑन करती है. बट दिस कार्ड कम्स लाइक दिस, मतलब कोई तो फीमेल है जो आपके लव सिचुएशन में, अगर आप ऑलरेडी अपने लवर को जानते हैं या यू नो आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं आपके फियांसे के साथ या यू नो एंगेजमेंट हुई आपकी, तो बट लेकिन शादी में बात आगे नहीं बढ़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स. सो मेक श्योर, मुझे तो वही वाइब्स आ रहे हैं कि ये सासूमा हो सकती है या ये आपकी भी नार्सिसिस्टिक यू नो टॉक्सिक मदर हो सकती है. चेक व्हाट रेजोनेटेड और देर इज एनी थर्ड पार्टी. आई डोंट सी एनी थर्ड पार्टी ओवर हियर, बट आई एम सीइंग योर पर्सन इज जगलिंग बिटवीन फाइनेंसेस एंड योर पर्सन इज एब्सोल्युटली सिंगल. इफ इट इज नो कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन और सेपरेशन और ही इज अ यू नो ही इज नॉट फकिंग विथ एनी अदर गर्ल आउट देयर, दिस इज क्लियर. ओके एंड इफ यू आर अ सिंगल दिस इज योर कार्ड, यू आर हाईली अबंडेंट इंट्यूटिव एंड यू आर जगलिंग बिटवीन मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटीज. आई एम सीइंग लॉट ऑफ स्कॉर्पियंस आर, ओके गिव मी वन मोमेंट, लॉट ऑफ स्कॉर्पियंस आर इन टू क्रिएटिव एक्टिविटी. ओके गिव मी वन मोमेंट, ओके बिकॉज आई एम सेटिंग अप माई लैपटॉप. सो लॉट ऑफ स्कॉर्पियंस आर यू नो डीलिंग विथ आर्टिस्टिक समथिंग लाइक अ पॉप सिंगिंग सॉन्ग राइटिंग. ओके गिव मी वन मोमेंट गाइज, आई एम चैनलिंग. ओके आई सॉ 515. ओके यस सो 515 एंजल नंबर, गो एंड चेक बिकॉज मैं ये तीन दिन में बहुत ज़्यादा ये 515 नंबर देख रही हूँ. एंजल नंबर 235 ऑल्सो गूगल इट फॉर यू. देन आई सॉ 1234 इन माई थर्ड आई राइट नाउ, 333. ओके यस स्कॉर्पियन दीज आर यू, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है रिसेंटली मैटर में. यू नो आप थक चुके हो एनर्जेटिकली, बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स आर देयर अराउंड यू, स्पेशली दोज आर गुड स्कॉर्पियंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो गूज मारते हैं रोज एंड यू नो 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 नो. सो यू आर वेरी पैशनेट अबाउट यूर क्रिएटिव एंडेवर्स, माइट बी अ ब्लॉगर हो सकते हो, वीलॉगर हो सकते हो, ट्रैवल ब्लॉगिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पर. ओके मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई लोग डायरेक्टर है, डायरेक्टर इंडस्ट्री में, आई डोंट नो व्हाई. ओके मेक श्योर जस्ट मैंने मेक श्योर स्कॉर्पियंस आपकी आइडिया चुरा सकते हैं लोग. ओके सो डू नॉट, आपको पता भी नहीं आपके पीठ पीछे बहुत लोग आपको दे आर इम्यूलेटिंग योर एनर्जी बट दे आर हाईली अनसक्सेसफुल. दे आर ट्राइंग टू बी लाइक अ स्कॉर्पियंस यू नो, स्पेसिफिकली आई एम सीइंग वुमन, देर इज अ वुमन आउट देयर हु इज ट्राइंग टू रिप्लेस यू. ओके आई डोंट नो इन व्हाट इन अ, बिकॉज मुझे तो यहाँ पर कोई कनेक्शन तो नहीं दिख रहा है अभी, लेकिन लेट्स सी, विल चेक इट आउट. ओके तो जून मंथ के लिए प्लीज़ 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 गाइड कीजिए यूनिवर्स. या यू नीड टू डिफेंड, मैं ये सेंस कर चुकी थी कार्ड ऑलरेडी. यस मैंने क्या बोला, आपके पीठ पीछे बहुत सारे लोग, मतलब यू आर इन अ कॉम्पिटिशन, सम काइंड ऑफ अ कॉम्पिटिशन. आई डोंट नो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो
या आपके फील्ड में बहुत ही सारी कंपटीशन है, फॉलोअर्स खींचने की कंपटीशन, ओके, ब्रांड स्टीलिंग की कंपटीशन, पर्सनल ब्रांडिंग की कंपटीशन, यू नो, यस, एंड आई सॉ दिस इज यू स्कॉर्पियंस, ओके, दिस इज यू 101%. यू आर स्टैंडिंग फर्म ऑन योर ग्राउंड, ओके. आप बहुत ही यूनिक हो आपके स्किन में, आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता. लेट मी टेल यू, दोज हु आर माय वॉचर्स, यू नो, व्यूअर्स, ओके, आई एम फंबलिंग द स्टिल, दोज हु आर माय व्यूअर्स, ओके, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज आप अपने ही टैलेंट में बहुत यूनिक हो, ओके. और अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको करियर वाइज भी बहुत सारा ऑफर्स आ सकता है. अगर आप स्टेज परफॉर्मेंस में हो तो आपको सडनली कहाँ से, यू नो, यस यस यस, मनी गेन के चांसेस दिख रहे हैं मुझे. गिव मी वन मोमेंट गाइस. यू नो दैट, यू नो, आई कॉन्स्टेंटली कीप मूविंग बिकॉज आई कैनॉट सिट डाउन मोर देन 10 मिनट्स. या यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ. और देर इज़ अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो यस स्कॉर्पियंस, इफ़ यू आर मैरिड, यू बोथ आर, यू नो, मैचिंग ईच अदर्स एनर्जी, एंड दे, यू आर डिवाइन फेमिनिन, हूएवर इज वेरी मच सपोर्टिंग. अगर आप मैरिड हो तो आपकी, यू नो, वाइफ जो है वो आपसे काफ़ी कमिटेड है, एंड शी इज़ वेरी 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 इन ट्यून, एंड उसको पता है वो क्या कर रही है, वो आपको पूरा सपोर्ट करिए. अगर आप आपके वाइफ के साथ बिजनेस करेंगे स्कॉर्पियंस, आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट अ हाई गेंस, ओके. अगर आप कुछ भी, यू नो, नया लॉन्च करना चाहते हैं, एंटरप्राइज या कुछ, आप अपने वाइफ के नाम से स्टार्ट करो. दिस इज़ माई पर्सनल गाइडेंस, ओके, दिस इज़ अ इंट्यूशन, बिकॉज गृहलक्ष्मी, यू नो इट. या मैंने क्या बोला था अब भी, जस्ट आपके सामने शफल किया कार्ड, 6 मिनट्स ऑन द गो. तो यस, तो यस गाइज, प्लीज़ लुक आफ्टर द अपॉर्चुनिटीज, वेदर इट इज़ अ स्मॉल और अ बिग. चेक पेपर वर्क प्रॉपरली, गो थ्रू 2 to 3 times, एंड जितना ज़्यादा हो सके. मैंने यहाँ पर टिकटॉक सेंस, यू नो, सेंस किया, आई डोंट नो, या फिर आप किसी म्यूजिकल ऐप पर, ऐप्स आपने इंस्टॉल करके, आप गिटार बजा रहे हो, वायलिन बजा रहे हो, बांसुरी, यू नो, या गाना गा रहे हो, ओके, गाना गा रहे हो, तो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग दैट, यू नो, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आप पे अपॉर्चुनिटी मिलने की ज़्यादा चांसेस है. एंड जैसे कि 10 of Pentacles का कार्ड ऑलरेडी बाहर आया, तो मैंने यहाँ पर रखा, स्पिरिट ने 3 बार इसको बाहर लेके आए, मतलब आपको मनी गेम्स फॉर श्योर, आपने मनी गेम्स फॉर श्योर, यस, कहीं बाहर से आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस है, आपके लोकेशन से नहीं. यस, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दिस अपॉर्चुनिटी. आप बहुत मेहनत से, एटलीस्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कंटिन्यूस नॉन स्टॉप 4 साल से आप काम कर रहे हो अपने टैलेंट के ऊपर, और आप ट्रैवल भी कर रहे हो उस टैलेंट के लिए, आप ट्रैवल भी कर रहे हो बहुत जगह पर, यू नो, अपने डीलर से या, यू नो, स्टूडियो ओनर से कहीं पर बातचीत चालू किया है पहले से, या ये हो सकता है इन फ्यूचर. ऐसा नहीं है गाइस कि सिर्फ जून मंथ में हो, आपकी एनर्जी है उसके हिसाब से. यस, मैंने क्या बोला, आपके सामने अभी कार्ड निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स. आप सडन करियर शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आपके जो टैलेंट है जिसमें आप मेहनत कर रहे हो, विद इन दिस वन और वन मंथ टू वन ईयर, आई एम सेंसिंग 1 month to 1 year, ओके, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म एस्टैब्लिशमेंट, लॉन्ग टर्म एस्टैब्लिश. इफ यू आर अ मैरिड, चेक. अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यस, 333 आई जस्ट सॉ ऑन माई लैपटॉप, ओके. सो ये दिस इज़ अगेन अ कन्फर्मेशन फ्रॉम डिवाइन. अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो प्लीज़ कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डम्स, यू नो, प्रोटेक्शन ले लो. आई डोंट नो, दिस इज़ डिवाइन, समथिंग इज़ मैनिफेस्टिंग बिहाइंड द सीन, और ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके. दिस इज़ यू स्कॉर्पियंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज़ यू स्कॉर्पियन, दिस इज़ अ हाइएस्ट पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कार्ड, ओके. इसके पास वॉन्ड है, इसके पास सोर्ड है, इसके पास सब कुछ है, कप्स की भी एनर्जी है. सो यस गाइज, यू आर मैनिफेस्टिंग सबकॉन्शियसली, ओके, चाहे वो फिर आप, यू नो, यस, चाहे अगर आप वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, डजंट मैटर, बट आप सबकॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली वेरी पॉजिटिवली टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स योर गोल्स, ड्रीम्स, टैलेंट्स, एंड आई एम सीइंग दैट कि somebody from past, either your ex-business partner or your childhood friend, something from your past, or you have applied 4 years back in one company. For example, if you are in working in L&T Infotech and you have applied 4 years back in Deloitte, okay, that company is now wanting to hire you. That time, yes, you are not seeing this moon card. Moon card, this is hidden and secret from divine. This is सडनली ये जून मंथ में कहीं से आएगा. आपने अप्लाई किया होगा बहुत साल पहले और वो मेल लेटर्स में
आपको दिखेगा, या फिर आपने किसी के साथ पास्ट में पार्टनरशिप ब्रेक करी थी, वो पर्सन वापस आएगा. दिस इज सीक्रेटिव. ओके, वो पर्सन वापस आएगा. एंड यू नीड टू लिसन योर इंट्यूशन. प्लीज गाइज, डू नॉट फॉल्स अ प्रे, डू नॉट फॉल अ प्रे टू एनी फ्रॉड थिंग्स. इन्वेस्टमेंट आपको ठीक से करना है, बिकॉज आपने पास्ट में बहुत सारा चीटिंग और ये देखा हुआ है. ओके, सो मेरी ये ख्वाहिश है और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है आपको कि आप मून चंद्रमा देखो, आपके मून दशा चंद्रमा दशा देखो कहाँ पर चल रहा है आपके होरोस्कोप और इसमें. या मुझे लगता है आपको मोती पहनना बहुत ज़रूरी है. आई डोंट नो आई जस्ट सेंस दैट मोती पर्ल. ओके, तो चेक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर. ओके, एंड या मुझे लग रहा है कि मून आपका इमोशनली आप बैलेंस्ड नहीं थे. ओके, आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है. मैं देख रही हूँ हाई वाइब्रेशनल. यस, आई टोल्ड यू देर इज़ सम पर्सन फ्रॉम पास्ट इज कमिंग रिटर्निंग. ओके, जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था. यू डोंट नीड टू एंटरटेन दिस पर्सन, बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू. या दिस पर्सन वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू. वॉट इज स्पिरिट गाइड? यस. ओके, दिस इज अ किंग ऑफ कप्स. ओके, यू नीड टू बैलेंस यूर इमोशंस गाइज. यू आर हाईली मच्योर्ड ऑलरेडी. ओके, एंड आई एम सीइंग दैट लव मैटर्स यहाँ पर बहुत उभर के आ रहा है. सो इफ यू आर सिंगल्स, वॉच आउट माई अदर रीडिंग्स. ओके, वॉच आउट यूर सन मून राइजिंग एंड वीनस. यस यस, डेफिनेटली वर्ल्ड का कार्ड निकला हुआ है. आप बहुत जल्दी कोई स्मॉल ट्रिप कर सकते हो. ओके, बहुत जल्दी आप जून मंथ में, मैं सेंस कर रही हूँ कि आप शादी, किसी की फ्रेंड की शादी है, तो आप आउट ऑफ आप आउट ऑफ कंट्री चले गए, फॉरेन चले गए. किसी टाइप का थ्री ऑफ कप्स दिख रहा है मुझे. सेलिब्रेशन इज हेडिंग टूवर्ड्स यू. आई डोंट नो, ये शॉर्ट सेलिब्रेशन भी फैमिली का हो सकता है. येस, मैंने बोला ना लवर्स का कार्ड. आप लव मैटर सिचुएशन में किसी फीमेल के वजह से अटके पड़े हुए हैं. ओके, एक तो आपको पास्ट एक्स लवर हो सकती है, एक लवर की माँ हो सकती है, या आपकी माँ हो सकती है, या आपका लवर कहीं और एंगेज है किसी औरत के साथ. बिकॉज आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग दैट. ओके, हैंग्ड मैन स्टक सिचुएशन है लव में. येस, माई थ्री ऑफ पेंटिकल कार्ड इज लाइक इंडल्जिंग इन थर्ड पार्टी. एंड दिस कुड बी यू अगेन. ऐसा नहीं कि एवरी टाइम दिस इज ऑन. यू नीड टू सी बियॉन्ड द. यस स्कॉर्पियंस, आई डोंट नो वॉट यू आर गाइज डूइंग. मैंने बूजिंग वर्ड सुना. ओके, पहले के इसमें अभी 12 मिनट हो चुके, लास्ट 3 मिनट्स. ओके, पहले के मैंने स्कॉर्पियन पार्ट रीडिंग में, यस यस यस, मैंने क्या बोला? लव सिचुएशन. ओके, स्ट्रांगली सक्सेस अगर लव सिचुएशन में, अगर स्टक मोमेंट था या नो कॉन्टैक्ट नो सेपरेशन, सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन में था, तो बात आगे बढ़ेगी. ओके, स्पिरिट टेलिंग में कि ये अर्चना कार्ड ले लो. ओके, तो बात आगे बढ़ेगी. ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि आपका जिस आपका जो पैशन है वो कहीं खो गया है रिसेंटली. ओके, बिकॉज ऑफ योर लव सिचुएशन आपका ध्यान नहीं लग रहा है आपके काम में. ओके, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग दैट. या पति पत्नी के बीच में झगड़े चल रहे हो अगर आप मैरिड हो तो. ओके, किसी स्टेबिलिटी के ऊपर लेके, होम सिचुएशन, होम एनवायरनमेंट. या गाइस, घर में रोज कॉर्ड्स रखो, बहुत बड़ा रॉक मिलता है. ओके, आपके बेडरूम में रोज कॉर्ड्स रखो. और मैं एडिशनली यहाँ पर एस्ट्रो वास्तु टिप्स भी दे रही हूँ कि हमारे बेडरूम में कोई भी भगवान के फोटो नहीं होने चाहिए. ओके, ठीक है, आप राधा कृष्ण की मूर्ति जिसको आप पूछते नहीं हैं वो रख सकते हो. ओके, स्टैचू रख सकते हो राधा कृष्ण की. येस, आई जस्ट सॉ अगेन टू ऑफ लवर्स का कार्ड मैंने वापस देखा. ओके, अगर आपके मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आपको सारी भगवान की तस्वीरें बेडरूम से निकाल देनी चाहिए. एंड येस स्कॉर्पियंस, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग इन जून मंथ. यू आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. यू आर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन योर टैलेंट. रिहर्सल्स, मैंने अभी जस्ट वर्ड सुना, मेरे दिमाग में आया रिहर्सल्स. कोई रियाज कर रहा है गाने का और तबला बजाने का, पेटी बजाने का, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग दैट इधर यू प्ले सम इंस्ट्रूमेंट और यू आर गोना प्ले सम इंस्ट्रूमेंट इन द मंथ ऑफ जून और यू आर गोना परफॉर्म ऑन द स्टेज. ओके, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग दैट. एंड ऑल्सो दिस विल गिव यू अबंडेंस. ओके, दिस विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ मनी. ओके, बट जस्ट बी क्लियर विथ योर डील्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, वॉट इज फॉर स्कॉर्पियंस, मैंने देखा अभी यहाँ पर. ओके, नाइट ऑफ, यस यस, सी स्पिरिट अगेन टेलिंग मी लाइक अर्चना टेक दिस कार्ड.
you are going to finish some kind of a toxic cycle in the month of June. तो कुछ तो जनरेशनल पैटर्न चलता आ रहा था. जैसे कि मैं बताऊँ मेरे घर में, मतलब नॉट माई इन पैटर्नल साइड्स, ओके, एंड मेरे पापा के कज़न ब्रदर्स, कजन्स एंड अदर पीपल, यू नो, मेरी खुद की दादी, ओके, मेरी खुद की सगी कज़न सिस्टर, ओके, दे आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ओके, यस, ओ माई गॉड, आई जस्ट गॉट गूज़बम्स, ओके. तो जनरेशनल पैटर्न मतलब किसी ने ब्लैक मैजिक स्टफ आपके ऊपर किया हुआ है या करने, मतलब किया हुआ है या करते आए हैं पहले से, ओके. स्पेसिफिकली जेलसी दिख रही है मुझे. स्कॉर्पियंस, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी. प्लीज़ वेयर ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट और ऑब्सिडियन ब्रेसलेट और ब्लैक टर्मलिन जैसे मैंने रखा है पीछे, ओके. तो आप वैसे कैरी कर सकते हो, घर में रख सकते हो. मेजर ब्लैक मैजिक स्टफ. सी, दिस इज, आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन and I'm very super blunt. I believe in both kind of energies because yes, agar you know samshan bhumi hai to temple hai, right? It's like that. So you are going to addict in love situation in the month of June, or addict in a lucrative work opportunity. Confirmation. Aapko lagega ye opportunity bahut too good to be true, but nahi, 7 of swords ka card aaya tha. सो बी अवेयर, बी माइंडफुल, अच्छे से चेक करो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के टाइम, वो देखो, वो एजेंट और वो प्लेस जाके चेक करो, ओके, उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन क्या चल रहा है, ओके, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. एंड उसको आगे फ्यूचर में 5 years में उसका वैल्यू बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सब चेक करो. एंड आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग दैट यू विल बी अडिक्टेड टू योर लवर इन द मंथ ऑफ जून. या मैं देख रही हूँ सेक्स टेक्सटिंग, ओके. मैं बहुत कुछ देख रही हूँ कि व्हाट्सएप पे बैक एंड फोर्थ बम्बर्डिंग चल रही है. कहीं ऐसा नहीं हो कि आप है ना, आपकी रिसेंटली शादी फिक्स होने वाली है जून मंथ में, और उस लवर के साथ आप काम के चक्कर, मतलब काम को ही भूल जाओ और एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो. तो ऐसा नहीं करना है आपको. मैं देख रही हूँ कि बिफोर मैरिज सेक्स, टेक व्हाट रेजोनेट. आई एम नॉट डेफिनेटली इनसाइड दिस, प्लीज, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी स्पिरिट. मुझे छोड़ के लोगों का एनर्जी बताओ मुझे, बिकॉज आई वोंट गो फॉर दिस, ओके, लाइक वॉट एवर पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके. सो स्कॉर्पियन, फैमिली के लिए मैंने पहले ही बोल दिया, आपको कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकती है अगर आपका ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या कुछ ऐसा, या फिर आपके घर में, या टावर कार्ड. मैंने ये सेंस किया था गाइज, मैंने ये सेंस किया, सॉरी फॉर दैट. मेरा रीडिंग्स थोड़ा ज़्यादा जा रहा है बिकॉज मुझे जितने ज़्यादा मैसेजेस आएंगे आपके लिए उतना अच्छा है. मैंने वापस एम्प्रेस का कार्ड उल्टा देखा, किसी की माँ प्रॉब्लमेटिक है या सासू माँ प्रॉब्लमेटिक है, ओके. कुछ तो इशू चल रहा है किसी की लड़की की, या फिर आप अपने पास्ट को, यस, 10 of swords का कार्ड बहुत दूर चला गया है. तो यस, कोई पास्ट एक्स पर्सन वापस आपकी लाइफ को, आपकी ग्रोथ देख के वापस एंटर करने की सोच रहा है. डू नॉट, यस, पास्ट पर्सन जिसके साथ आपने फाइनेंसेस, यू नो, इन्वेस्टमेंट किए थे, ओके, दिस पर्सन इज मैनिपुलेटर, ओके. सो डू नॉट इंडल्ज इन दैट, प्लीज, ओके. वरना टॉवर मोमेंट यहाँ पर आया है, आपने जितना भी कमाया था सब गवा दोगे, ओके. सो बी अवेयर, ये मैंने कुछ वार्निंग्स दी है आपको. और मैरिड लाइफ आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है ओवर सेक्स इंडल्जेंस एंड स्कॉर्पियंस आर देयर, आई नो दैट. अगर वो एक बार गए नशे में तो सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट स्कॉर्पियो ही होते हैं, ओके, आई एम टेलिंग यू. यस, लव मोमेंट में आपको बहुत सारे, और वर्क मोमेंट में भी आपको, वर्क प्लेस पे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे. मैं देख रही हूँ कि आपको आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, या ओके, या फिर आपने फेसबुक एड्स में पैसा डाल दिया, या टिकटॉक पे, यू नो, आपने ज़्यादा ये किया, फॉलोअर्स गेन किए, तो कहीं ना कहीं से आपको, यू नो, स्मॉल लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस है. यस, न्यू बिगिनिंग का कार्ड मैंने अभी जस्ट सेंस किया. तो या गाइज, और देखो, चेक करो 14th June को आप ज़्यादा ड्रॉन फीलिंग करोगे. तो प्लीज़ अपने एडिक्शंस को कंट्रोल में रखो, किसी भी चीज़ को, ओके, चाहे वो चाय पीना हो, कॉफ़ी पीना हो, या फिर सेक्स हो, यू नो, या फिर रोमांटिक, यू नो, ऑनलाइन डेटिंग हो, या कुछ भी, ओके. सो जस्ट एस ऑफ सोड का कार्ड है, दैट मीन्स आई एम, यू नो, टॉकिंग, यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, द ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न्स, बिकॉज वर्ल्ड का कार्ड 3 times पॉप आउट हुआ है, आपको चेंज होने की ज़रूरत है. यस, और कैंसर सीजन, मैं बोल रही हूँ, आप मेरा ना कैंसर, मतलब
जुलाई का प्रडिक्शन देखना जून के एंड में. ओके, दिस इज डेफिनेटली समथिंग बिग न्यूज इज कमिंग टुवर्ड्स स्कॉर्पियन इन द मंथ ऑफ जुलाई. इन द मंथ ऑफ जुलाई, ओके, दैट इज अ 23 जून से लेके 22 जुलाई तक. हाय, सो दैट्स इट फॉर स्कॉर्पियन. मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा और कार्ड्स नहीं आ रहे हैं. बढ़िया, अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. मैंने बहुत शॉर्ट रखने का कोशिश किया है. एंड येस, मैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज मेरे को तीनों साइड से रिक्वेस्ट आया. सो थैंक यू, जय सतगुरु, गॉड ब्लेस यू गाइज, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ रीडिंग. ओके, बाय.